हे गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स ऑफ 2023 बताया, फिक्शन बुक्स जो थी लास्ट ईयर की न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स जो थी। अब इस वीडियो में मैं आपको नॉन फिक्शन बुक्स बताऊंगा जो कि लास्ट ईयर न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स बनी थी। और लास्ट वीडियो की तरह ही मैंने इस वीडियो में भी कॉमन बुक्स निकाली है जो कि ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बेस्ट सेलर रही थी। हर बुक नहीं बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी हो जाती है। फिर भी अगर आपको जानकारी के लिए इच्छुक हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा विकिपीडिया का, और वहां जाकर के चूज एंड पिक कर सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट। ओके, तो फर्स्ट बुक जो थी जो कि बहुत टाइम के लिए न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर रही लास्ट ईयर, वो थी द लाइट वी कैरी बाय मिशेल ओबामा। ओके, सो प्रेसिडेंट की जो बीवी होती है, मतलब वाइफ होती है, उनको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट लेडी बनी थी और पहली अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस बनी। इन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक के अंदर इन्होंने कुछ अनसर्टेनिटी बताई है जो कि दुनिया ने फेस करी है ड्यूरिंग कोविड-19, और उन्होंने अपनी खुद की लाइफ की अनसर्टेनिटीज बताई है। जैसे कि ये जब प्रिंसटन कॉलेज में पढ़ती थी तो ये वहां की अकेली और रेयर अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जो कि अंडर ग्रेजुएशन पढ़ रही थी। तो ऑफ कोर्स यार, अगर आप अकेले ही ऐसे इंसान हो तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी और टॉन्ट्स और बहुत सारी चीजें होती है कॉलेज में, तो क्या नहीं होता यार। तो वो सारी चीजें उन्होंने अपने इस बुक के अंदर बताई है। इनकी एक और बुक थी बिकमिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर भी इन्होंने अपने पर्सनल चीजों के बारे में बातें करी थी, लाइक ये कैसे बड़ी हुई और क्या क्या इनका पर्सनल स्ट्रगल्स थे और शायद इन सब के बारे में। और एक अच्छी बुक थी, वो भी काफी मतलब वेल नोन बुक है। ओके, सो द नेक्स्ट बुक इज स्पेयर बाय प्रिंस हैरी। कौन बताता है इनको मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो सेकंड बुक इज स्पेयर बाय प्रिंस हैरी और ड्यूक ऑफ ससेक्स जो कि इनकी वाइफ है। प्रिंस हैरी कौन है मैं आपको बता दूं, इफ यू डोंट नो हु इज प्रिंस हैरी। ओके, तो प्रिंस हैरी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक मेंबर है। चार्ल्स III जो थे, आई थिंक ही वॉज अ प्रिंस और समथिंग, उनके ये यंगर सन है। तो उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है स्पेयर, ये 2023 में रिलीज हुई थी। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि एक रॉयल फैमिली के जो इनसाइड्स होते हैं उसके बारे में इन्होंने इसमें बात करी है। इनकी मदर की जो डेथ हुई थी उसका इन पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करी है, और इनके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो थे अदर फैमिली मेंबर्स से उसके बारे में भी, और इनके जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स थे इनके अदर फैमिली मेंबर्स के साथ उसके बारे में भी इन्होंने इसमें बात करी। अगर आप ब्रिटिश प्रिंस और रॉयल फैमिलीज के बारे में जानना चाहते हो तो ये बुक आप जरूर पढ़ सकते हो। ओके, सो द थर्ड बुक इज आउटलिव बाय बिल जिफोर्ड एंड पीटर एटिया, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बिकॉज यू नो यार। इस बुक के अंदर बताया गया हाउ टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, और ये प्रैक्टिकल और साइंटिफिक न्यूट्रिशन का आपको एडवाइस देंगे जिससे आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सकते हो और एजिंग से बच सकते हो। ऑफ कोर्स जो कि इनएविटेबल है, पर फिर भी अपनी एजिंग को कम दिखा सकते हो एक अच्छे न्यूट्रिशन से। ये तो ऑफ कोर्स अगर अच्छा न्यूट्रिशन रखोगे और जो भी एक्सरसाइजेस और जो भी नॉर्मल अच्छी हेल्दी चीजें वो करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी एजिंग कम होगी। इन अ शॉर्ट फॉर्म इट इज अ गाइड टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। तो अगर आपको कुछ चाहिए इस बारे में, कुछ सुझाव चाहिए, तो आप इस बुक को खरीद सकते हो। इन सारे बुक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, अगर कोई भी बुक पसंद आए या देखनी हो तो लिंक से ही क्लिक करके जाना, इससे अपने चैनल को हेल्प मिलेगी। ओके, सो द नेक्स्ट बुक इज अमेरिकन प्रोफेटियस बाय काय बर्ड एंड मार्टिन जे शर्विन शर्विनिया। तो ये जो बुक है ये ओपनहाइमर की राइटिंग्स और FBI सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स और उनके इंटरव्यूज, इसके अंदर उन सब के नोट्स हैं। तो ये भी लास्ट ईयर की, मतलब ये तो होनी ही थी यार, बिकॉज लास्ट ईयर ओपनहाइमर जो मूवी रिलीज हुई थी जिसकी वजह से ही ओपनहाइमर के बारे में दुनिया को मालूम चला कि ही इज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। लोगों ने देखा होगा मूवी और ऑन क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी तो ये बुक खरीद ली होगी। इसके अंदर उनके राइटिंग्स और क्लोज फ्रेंड्स और सबके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप ओपनहाइमर के बारे में जानना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए है, अभी जाओ और खरीद लो अमेरिकन प्रोमेथियस। ओके, तो ये जो बुक है ये मुझे पढ़नी है, द वुमेन इन मी। ये ब्रिटनी स्पीयर्स जो कि एक बहुत वेल नोन सिंगर है, जिनका एक गाना है मामा आई एम इन लव विद द क्रिमिनल एंड दिस टाइप ऑफ लव इज नॉट रेशनल इट्स फिजिकल मामा प्लीज डोंट क्राई। अरे बस कर भाई, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। तो इसके अंदर ऑफकोर्स जो एक स्टार की ऑटोबायोग्राफी में लिखा होता है कि उनकी जर्नी टू स्टारडम, जो चीजें उन्होंने पब्लिकली फेस करी हूँ, स्पेशलाइज चैलेंजेस शी फेस, मेमोयर है इनका। तो और इन्होंने ही लिखा है। तो अगर आप ब्रिटनी के बारे में जानना चाहते हो मेरी तरह तो पढ़ लेना ये बुक, काफी पुरानी बुक है, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है। ओके गाइस, तो ये कुछ नॉन फिक्शन बुक्स थी जो मैंने विकिपीडिया से ये सारा मटेरियल उठा करके आपके सामने छेप दिया। अगर आप और भी बुक्स के बारे में जानना चाहते हो जो मैंने इस वीडियो में कंसीडर नहीं करी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा विकिपीडिया का, आप जाके आराम से अपने रिसर्च कर सकते हो और जो बुक चाहिए वो पढ़ सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस अगर आपको देखने के इच्छुक हो तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जिसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है या फिर जो बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।